Hey guys, thanks for watching and welcome to my channel. Namaste, Sasrikal. मैंने आपसे बात करी थी last time video पे, तो मैंने आप लोगों को बोला था मैं आपको सारी information दूंगी, जो भी formalities आपको पूरी करनी होती है airport पे, Singapore airport पे, जैसे ही आप India से land होते हैं. तो airport पे land होने से पहले ही announcement होती है flight में कि आपको आपका सामान कौन सी belt पे मिलेगा. तो वो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो मेंशन करते हैं और वहीं से आपका लगेज मिल जाता है. तो लेकिन लगेज लेने से पहले यू हैव टू क्लियर द इमिग्रेशन, सिंगापुर इमिग्रेशन, और यू विल गेट यू नो पीपल सिटिंग देयर इमिग्रेशन ऑफिसर लाइन में ऐसे ही बैठे रहते हैं. तो ऊपर मेंशन होता है कि इफ़ यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर तो आपको यहाँ आना है, या लॉन्ग स्टे है, या वर्क वीज़ा है आप लोगों के पास. तो आप लोगों को क्या करना होता है वंस यू गेट डाउन एज अ स्टूडेंट, आप अगर आते हैं तो आपको राइट साइड में एक उन्होंने वो बनाया हुआ है स्लैब, उस पे रखे होते हैं यू नो डॉक्यूमेंटेशन जो आपको फिल करना पड़ता है. एक एक फॉर्म होता है जो आप लोगों को फिल करना पड़ता है. तो पहले आप वहाँ से वो फॉर्म ले लीजिए, उसको फिल कर दीजिए. ज़्यादा कुछ डिटेल इतनी देनी नहीं पड़ती कि आप कहाँ रह रहे हैं, वो डिटेल देनी पड़ती है. आपका फ़ोन नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, ये छोटी मोटी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती है. फिर उसके बाद आप उसको इमिग्रेशन ऑफिस को दे सकते हैं. इमिग्रेशन को ऑफिसर को फिर देने के बाद वो आपके थंबप्रिंट लेता है और फोटो क्लिक करता है, जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो. देन ही विल शो यू द वे, ही विल डेफिनेटली आस्क यू द क्वेश्चंस, वेयर यू गोना स्टे एंड विच कॉलेज यू आर गोइंग टू स्टे, विच कोर्स. सो आप ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपके कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है और क्या कोर्स करने जा रहे हैं. और इन केस वो पूछते हैं आपसे कि कहाँ स्टे करेंगे या कैसे स्टे करेंगे, तो आप बता सकते हैं उनको कि आपको कॉलेज जो है वो हेल्प करेगा, प्रोवाइड करेगा स्टे करने में, या आपका कोई फ्रेंड आपको हेल्प करेगा. इतनी डिटेल होने के बाद आपको वो भेज देते हैं एंड यू नो देन यू हैव टू कलेक्ट योर लगेज. लगेज कलेक्ट कर लिया, मेक श्योर अगर आप सिंगापुर आते हैं तो या तो अपना इंटरनेशनल रिचार्ज थोड़ा सा करा के आए ताकि किसी से व्हाट्सएप पे थोड़ी बात हो जाए, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाती है. अगर आप टिल द टाइम यू आर हेयर ऑन द एयरपोर्ट, ऑन चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर में, तो आप लोगों को वाईफाई फ्री मिलेगा. आप पहले वो वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए अगर आप लोगों के पास इंटरनेशनल यू नो रिचार्ज नहीं है, और आपको किसी से बात करनी है, आपके किसी फ्रेंड को आना है जो आपको लेने आएगा, आपको इन्फॉर्म करना है, या कोई डिटेल लेनी है नेट से, पूरी डिटेल आप वहाँ पे अपना मैप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल मैप, उसका एड्रेस उसमें डाल दीजिए, और पहले से ही एड्रेस डाल के अपनी लोकेशन उसमें डाल के आप अपना एड्रेस को डाउनलोड कर लीजिए, और फिर वहाँ से चलिए ताकि वो आपको हेल्प करे, आपको नेट की ज़रूरत ना पड़े. अदरवाइज तो आप इंटरनेशनल रिचार्ज करा के आ सकते हैं. जो नहीं आते हैं ये उनके लिए है कि चंगी एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई होता है. जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने रिचार्ज नहीं कराया था, तो आई वाज अवेयर कि चंगी एयरपोर्ट पे वाईफाई फ्री होता है. अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट टू डाउनलोड मैप वहाँ पे एड्रेस डाल के, बिकॉज आई वॉज बिजी इन कॉलिंग माई हस्बैंड. तो लेटर ऑन यू नो आई केप्ट ऑन वॉकिंग एंड आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक टू माई हस्बैंड. इतने में मैं एयरपोर्ट क्रॉस कर गई और MRT स्टेशन पे पहुंच गई, तो मेरा जो इंटरनेट था वो डिसकनेक्ट हो गया एंड आई गॉट यू नो आई डोंट नो हाउ टू फाइंड द एड्रेस. बट स्टिल मैंने थोड़ा विजिट किया था पहले, यहाँ आई थी मैं एक साल पहले, तो मुझे थोड़ा आइडिया था और एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं ढूंढ लूँगी. दूसरा मेरे फ्रेंड ने जो एड्रेस मेंशन किया था वो भी इतना अच्छा नहीं, अच्छे से मेंशन नहीं किया था उसने, मुझे बताया नहीं था 1226 कैसे क्या है, फिर उसके बाद जिप कोड था यहाँ का. तो आई डिड नॉट गेट कि 12th फ्लोर पे 26 फ्लैट है.
एंड आई वाज आस्किंग हिम, मैंने पहले मैसेज भी किया था कि ये क्या है, ये पोस्टल कोड है, फिर उसने मुझे मैसेज नहीं किया, देन इवन आई फॉरगॉट टू आस्क हिम, बट स्टिल आई हैव स्पोकन टू वन काइंड पर्सन, ही टोल्ड मी दैट यू हैव टू गो 12th फ्लोर एंड द फ्लैट नंबर इज 26, देन आई गॉट रिलीफ. सिंगापुर एज अ कंट्री इज़ वेरी सेफ, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती है. मेरा MRT स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, हार्डली आई बिलीव 500 और 700 मीटर्स की डिस्टेंस होगा, तो मुझे इतना डिस्टेंस पे मुझे फील नहीं हुआ कि मैं कोई कैब लूँ या किसी की हेल्प लूँ, तो मैंने नहीं किया, तो आई मैनेज्ड इट माई सेल्फ. और उसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है, इच्ची अगर आप MRT से आ रहे हैं तो मेक श्योर आप वहीं से कार्ड ले लें. लॉन्ग टर्म के लिए आपको $10 का चार्ज करेंगे वो लोग, और वहां से आप कार्ड ले सकते हैं MRT के लिए, उस दिन मॉर्निंग में ही यूज़ कर सकते हैं. आपको 5 rupees का टॉप अप भी मिलेगा उसमें, जो जिसमें आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, मोर देन इनफ है सिंगापुर में घूमने के लिए. 5 first day इतना चार्ज भी नहीं होता है, शायद हार्डली $1 सम सेंस चार्ज होता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस यू आर लिविंग. बस उसके अलावा यही चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, एंड जस्ट डोंट बी अफ्रेड, बी कॉन्फिडेंट. कई बार ऐसा होता है कि हेल्प नहीं मिलती है, तो घबराना नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंटली आस्क एनी पीपल, यू नो हार्डली, बट इतना अवेयर नहीं होते सिंगापुरियंस भी, आपको जगह का इतना अच्छे से उनको ज्ञान नहीं होता है, शायद ना भी बता पाए कुछ लोग, बट ऐसा नहीं है, अगर 4-5 लोगों से पूछोगे तो कोई एक आधा थोड़ा बहुत हिंट या आइडिया दे देता है कि उस साइड में होगा, उस साइड में होगा, तो आप पूछते पूछते वहाँ पहुँच सकते हैं. अदरवाइज उसके अलावा तो पता नहीं, मुझे जहाँ जो मुझे फील हुआ कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि चंगी एयरपोर्ट पे वाईफाई फ्री है, यू कैन यूज़ इट, एंड MRT स्टेशन भी वहाँ से कनेक्टेड है, तो आप अगर कैब नहीं करना चाहते तो आप MRT ले सकते हैं जो सुबह 5:30 बजे शुरू होती है, एंड रात को मॉर्निंग में शायद 12 o'clock तक चलती है, तो बीच में जो टाइम है उसमें वो आपको नहीं मिलेगी, तो यू हैव टू ईदर यू कॉल योर फ्रेंड और योर रिलेटिव्स जो आपको लेने आ रहे हैं, या फिर आप लोगों को कैब करनी पड़ेगी. मेक श्योर कैब इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करती, समटाइम्स दे डू चार्ज, यू नो दे डू आस्क लॉट ऑफ मनी, तो आप 2-3 कैब से कन्फर्म कर सकते हैं और फिर उसके बाद आ सकते हैं. सो आज के लिए यही, देन नेक्स्ट में वीडियो में आई विल स्पीक अबाउट द कॉलेज एंड आई विल स्पीक अबाउट द COVID-19. बाय द टाइम टेक केयर एंड सी यू.